हेलो स्टूडेंट्स, आपका इस चैनल में स्वागत है। स्टूडेंट्स, आज आपको बताएंगे डिफेंसेशन। डिफेंसेशन का पार्ट वन में बताए थे स्टूडेंट कि डिफेंसेशन का बेसिक फॉर्मूला क्या है और डिफेंसेशन का आपका एप्लीकेशन क्या है, प्रॉपर्टी क्या है, आपको प्रॉपर्टी सब सिखा चुके थे। आज आपके सामने में लेके आए प्रॉब्लम, उस फॉर्मूले और उस प्रॉपर्टी का यूज करके आज प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करेंगे, तो सब कुछ आज स्टेप बाय स्टेप करेंगे स्टूडेंट, सभी कॉन्सेप्ट का इम्प्लीमेंट करेंगे इस प्रॉब्लम में। चलो, आपका ये सब जो प्रॉब्लम दिया गया, आपका प्रीवियस ईयर में पूछा गया है इस तरह का प्रॉब्लम, तो इस तरह का प्रॉब्लम यदि आपका एग्जाम में आए तो आपको कैसे सॉल्विंग करना है, आपको स्टेप बाय स्टेप क्या करना है, हम जिस तरह बना रहे हैं आपको क्या करना है, फॉलो करना है। चलो, एक नंबर प्रॉब्लम को देखते हैं कि पहला नंबर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन आप कैसे करोगे। कोई फंक्शन है आपका, वाई इक्वल टू क्या दिया गया है आपका, वाई इक्वल टू दिया गया है ई के पावर एक्स इंटू साइन इनवर्स एक्स। वाई इक्वल टू दिया गया है आपका ई के पावर एक्स और क्या दिया गया है, साइन इनवर्स एक्स दिया गया। ठीक है, अब देखो दोनों के बीच में क्या है, मल्टीप्लाई है। ठीक है, अब देखो आपको पिछले क्लास में बताए थे y इक्वल टू इस फंक्शन को u मानेंगे और अनदर फंक्शन को क्या मानेंगे, v मानेंगे। इसका एक फॉर्मूला पिछले क्लास में बताए थे, dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू, हमने बोला था कि u को छोड़ना है, v को डेरिवेटिव करना है, v को डेरिवेटिव करना विथ रिस्पेक्ट टू क्या, x के रिस्पेक्ट में करना, फिर जिसको डेरिवेटिव किया था उसको छोड़ देना है। अब आपको क्या करना है, यू को डेरिवेटिव करना विथ रिस्पेक्ट टू क्या करना, एक्स करना है। ठीक है, इसका मतलब है सीधी बात में ये समझना है कि हमने यू को छोड़ा है, भी को डेरिवेटिव किया है, फिर हमने भी को छोड़ा है और यू को क्या किया, डेरिवेटिव किया है। ठीक है, तो ये आपको क्या करना है, ये फॉर्मूला आपको क्या करना है, अप्लाई करना है और अप्लाई करके इस प्रॉब्लम को क्या करना है, सॉल्विंग करना है। ठीक है, अब ध्यान दो कि इस प्रॉब्लम को कैसे हम लोग सॉल्विंग करेंगे। अब देखो ये आपका क्या है, ये आपका क्या है, y है, तो इस फंक्शन को, इस इक्वेशन नंबर वन को डेरिवेटिव करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x, तो आपका क्या हो जाएगा, dy बाई क्या होगा, dx होगा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, अब हम क्या करेंगे, इस फंक्शन को छोड़ देंगे, इस फंक्शन को हमने छोड़ दिया, अब क्या करेंगे, इसको डेरिवेटिव करेंगे, इसको जब डेरिवेटिव करेंगे तो क्या हो जाएगा बताओ, तो d बाई डी एक्स और आपका क्या हो जाएगा, साइन इनवर्स क्या हो जाएगा, एक्स हो जाएगा। ठीक है, फिर जिसको हमने पहले डेरिवेटिव किया उसको अब डेरिवेटिव नहीं करना है, उसको छोड़ देना है, जिसको मैंने छोड़ा था उसको हम क्या करेंगे, डेरिवेटिव करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। तो आपका ये फॉर्मूला हो जाएगा डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू ई के पावर एक्स। और आपको बताए थे कि इस फंक्शन का डेरिवेटिव क्या होगा, इस फंक्शन का डेरिवेटिव आपको सिखाए थे d by dx sin inverse x का जो डेरिवेटिव होगा वो आपका क्या होगा, वो आपको बोले थे कि 1 by root over 1 minus क्या होगा, x square होगा, प्लस लगाना है sin inverse क्या हो जाएगा, x हो जाएगा। और इस फंक्शन का डेरिवेटिव आपको सिखाए थे पिछले क्लास में e के पावर x का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x क्या होगा, e के पावर x होगा। इसका मतलब है इस प्रॉब्लम का जो सॉल्यूशन होगा dy by dx इज इक्वल टू हो जाएगा e के पावर x बाई रूट ओवर वन माइनस एक्स स्क्वायर प्लस e के पावर x और क्या हो जाएगा, साइन इनवर्स क्या हो जाएगा, x हो जाएगा। अब आप इसको और एक स्टेप ले जा सकते हो, e के पावर x कॉमन लेके भी क्या कर सकते हो, आप इस प्रॉब्लम को कर सकते हो। e के पावर x आपका दोनों साइड है तो आप कॉमन ले लिया, वन बाई रूट ओवर वन माइनस क्या हो गया, एक्स स्क्वायर प्लस क्या हो गया आपका, साइन इनवर्स और आपका क्या हो गया, एक्स हो गया। तो ये प्रॉब्लम का क्या हो गया, आंसर हो गया डी वाई बाई डी एक्स, डी वाई बाई डी एक्स। तो आपको इस प्रॉब्लम का आंसर को क्या करना है, लिखना है, ये आपका क्या हो गया, ये इस प्रॉब्लम का क्या हो गया, आंसर हो गया। अब देखते हैं, अब अनदर प्रॉब्लम को सॉल्विंग करते हैं। यहां पर देखो, यहां पर आपका दो फंक्शन दिया गया था बट यहां पर आपका थ्री फंक्शन दिया गया है और आपको फाइंड आउट करना है dy by dx। इसी कॉन्सेप्ट का इंप्लीमेंट करके इस प्रॉब्लम को क्या करेंगे, सॉल्विंग करेंगे। तो अब चलते हैं, अब देखते हैं प्रॉब्लम नंबर टू को कैसे सॉल्विंग करेंगे। आपको क्या करना है, पूरा प्रॉपर ढंग से इसको नोट करना है। पहला प्रॉब्लम का ये आपका क्या हो गया, सॉल्यूशन हो गया। अब आते हैं सेकेंड नंबर प्रॉब्लम पर, अब नोट कर लो आराम से।
अब चलो देखते हैं प्रॉब्लम नंबर टू। अब देखो प्रॉब्लम नंबर टू क्या है, अब देखते हैं प्रॉब्लम नंबर टू। अब प्रॉब्लम नंबर टू आपका क्या है, y इक्वल टू e के पावर x tan x साइन इनवर्स x है। यहां पर थ्री फंक्शन है, अब क्या करना है, इसको डेरिवेटिव करना है। तो कैसे करेंगे ध्यान दो, यहां पर लिखेंगे डिफ्रेंशिएशन बोथ साइड्स विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। चलो अब इसको डेरिवेटिव करेंगे तो क्या होगा बताओ, डीवाई बाई क्या होगा, डीएक्स होगा। अब इसको कैसे करना, तीन फंक्शन जब रहेगा तो पहला फंक्शन को डेरिवेटिव करना है विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, तो क्या करेंगे डी बाई पहला फंक्शन को डेरिवेटिव करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, और ये दोनों फंक्शन को हम कांस्टेंट मान लेंगे। तो कांस्टेंट एज इट इसको क्या करेंगे उतार देंगे, ठीक है। चल ठीक है, अब यहाँ पर देंगे प्लस। अब हमने फर्स्ट पार्ट को डेरिवेटिव किया, सेकेंड और थर्ड को क्या माना कांस्टेंट, अब हम क्या करेंगे फर्स्ट और थर्ड पार्ट को कांस्टेंट मानेंगे और सेकेंड पार्ट को क्या करेंगे डेरिवेटिव करेंगे। चीजों को समझो आपको समझ में आएगा, और सेकेंड पार्ट को डेरिवेटिव करेंगे और दोनों पार्ट को क्या करेंगे कांस्टेंट रखेंगे, ठीक है, एज इट उतार देंगे, ठीक। अब क्या करेंगे फर्स्ट पार्ट और सेकेंड पार्ट को हम कांस्टेंट रखेंगे और थर्ड पार्ट को डेरिवेटिव करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, ध्यान दो, ठीक है। जब तीन फंक्शन दिया जाएगा एक साथ तो आपको इसी तरह करके डेरिवेटिव करना है। अब इसका आंसर लिखेंगे तो क्या हो जाएगा dy by dx इज इक्वल टू, अब मेरे को बताओ कि e के पावर x और dx का डेरिवेटिव क्या होगा, ये आपको सिखा चुके हैं, क्या होगा e के पावर x होगा, और इसको एज इट उतार देना है, ठीक। अब देखो प्लस लिखना है e के पावर x, आपको बता चुके हैं कि tan x dx का डेरिवेटिव क्या होता है, तो आपको बोलना है sec स्क्वायर x होगा और एज इट साइन इनवर्स x नोट उतार देना है e के पावर x, और ये क्या होगा tan x होगा, और आपको बता चुके हैं कि साइन इनवर्स x dx का जो डेरिवेटिव होगा वो आपका होगा 1 बाई रूट ओवर 1 माइनस क्या होगा एक्स स्क्वायर होगा। इसका मतलब है ये पूरे फंक्शन का जो डेरिवेटिव होगा dy by dx इज इक्वल टू e के पावर x tan x साइन इनवर्स x प्लस e के पावर x sec स्क्वायर x साइन इनवर्स x प्लस e के पावर x tan x by रूट ओवर वन माइनस एक्स स्क्वायर होगा। इसको आपको क्या करना है नोट करना है, ये आपका क्या हो जाएगा इस प्रॉब्लम का क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो आपका प्रॉब्लम नंबर टू भी सॉल्यूशन हो गया, चलो ये आपको आना चाहिए, ठीक। अब अनदर प्रॉब्लम को देखते हैं, प्रॉब्लम नंबर थर्ड को देखते हैं, ठीक है। ये आपका प्रॉब्लम टू का क्या है सॉल्यूशन है, आपको क्या करना है इस तरह करके प्रॉब्लम टू को क्या करना है सॉल्व करना है, ठीक। अब देखते हैं प्रॉब्लम नंबर थ्री को कैसे सॉल्विंग करेंगे, आपको नोट करना है, आराम से नोट करो। अब आते हैं प्रॉब्लम नंबर थर्ड पर,
अब देखो प्रॉब्लम नंबर थर्ड को कैसे सॉल्विंग करेंगे। प्रॉब्लम क्या है थर्ड? y इक्वल टू साइन एक्स बाई क्या है एक्स स्क्वायर है। आपको हम बता चुके थे u बाई वी का फॉर्मूला, ये आपका डिराइव है। तो आपको एक फॉर्मूला बताए थे y इक्वल टू यदि u बाई वी के फॉर्मेट में रहे तो इसका डेरिवेटिव क्या होगा। तो आपको याद रखना है y को डेरिवेटिव करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू x इज इक्वल टू क्या होगा, नीचे वाले फंक्शन को छोड़ेंगे ऊपर वाले फंक्शन को डेरिवेटिव करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू x। कर दिया जिसको हमने डेरिवेटिव किया उसको अब छोड़ना है, छोड़ दिया और दोनों के बीच में माइनस लगाना है, इसको छोड़ा और जिसको पहले छोड़ा था उस फंक्शन को डेरिवेटिव करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू क्या x, और नीचे वाले फंक्शन को डिवाइड करेंगे बट स्क्वायर करके डिवाइड करेंगे, v स्क्वायर होगा। मतलब v इंटू डी यू बाई डी एक्स माइनस यू इंटू डी वी बाई डी एक्स डिवाइडिंग बाई क्या होगा v का स्क्वायर होगा। ये आपका क्या फॉर्मूला है, इस फॉर्मूले का यूज करके हम लोग क्या करेंगे इस प्रॉब्लम को सॉल्विंग करेंगे। अब देखो अब सीधे आपको क्या करना है, फॉर्मूला में इस वैल्यू को बैठाना है, dy वाई बाई क्या हो जाएगा आपका dx हो जाएगा। चलो v आपका क्या है एक्स स्क्वायर है तो एक्स स्क्वायर लिखो, dy वाई क्या हो जाएगा dx हो जाएगा। अब मेरे बताओ u, u क्या है आपका sin x है तो sin x लिखो, माइनस u आपका क्या है देखो sin x है तो sin x लिखो, dy क्या होगा dx होगा, और v आपका क्या है एक्स स्क्वायर है तो एक्स स्क्वायर लिखोगे, और डिवाइडिंग बाई क्या हो जाएगा आपका v का स्क्वायर होगा तो एक्स स्क्वायर का क्या हो जाएगा स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला कुछ नहीं है बेसिक है, देखो v को हमने छोड़ा है u को डेरिवेटिव किया है दोनों के बीच में माइनस लगाया है, फिर जिसको डेरिवेटिव किया था उसको हमने छोड़ दिया, अब पहले जिसको छोड़ा था उसको डेरिवेटिव किया विद रिस्पेक्ट टू एक्स डिवाइडिंग बाई भी का स्क्वायर, भी आपका एक्स स्क्वायर है तो एक्स स्क्वायर का क्या होगा होल स्क्वायर होगा। ये आपका क्या हो गया फॉर्मूला हो गया। अब देखो इसका सॉल्यूशन क्या होगा इज इक्वल टू देंगे, ये आपका क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है एक्स स्क्वायर हो जाएगा। अब ये मेरे को बताओ साइन एक्स का डेरिवेटिव आपको बता चुके हैं पिछले क्लास में क्या होगा कॉस एक्स होगा, माइनस क्या हो जाएगा साइन एक्स हो जाएगा। अब मेरे को बताओ कि एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या होगा, तो एक फॉर्मूला बताए थे डी बाई डी एक्स, एक्स टू दी पावर एन का फॉर्मूला बताए थे एन एक्स के पावर एन माइनस वन होगा। इसका मतलब है यहाँ पर आपका क्या है एक्स स्क्वायर है तो एन के जगह पर टू हो जाएगा एक्स के पावर एन माइनस वन, तो टू माइनस वन क्या वन हो जाएगा। इसका मतलब एक्स स्क्वायर का जो डेरिवेटिव होगा वो आपका क्या होगा टू एक्स होगा। तो आपको यहाँ पर क्या लिखना है टू एक्स लिखना है और डिवाइडिंग बाई क्या हो जाएगा एक्स के पावर क्या हो जाएगा फोर हो जाएगा। अब देखो यहाँ पर चीज़ों को समझो एक्स स्क्वायर कॉस एक्स माइनस टू एक्स क्या हो जाएगा साइन एक्स बटा कितना हो जाएगा एक्स के पावर क्या हो जाएगा फोर हो जाएगा। अब आप एक्स कॉमन ले सकते हो तो एक्स को कॉमन लेंगे तो एक्स कॉस एक्स हो जाएगा और माइनस टू साइन एक्स हो जाएगा और डिवाइडिंग बाई क्या हो जाएगा एक्स के पावर फोर हो जाएगा। ये एक्स कैंसिल हो जाएगा नीचे बचेगा एक्स के पावर थ्री। इसका मतलब इस प्रॉब्लम का आंसर होगा एक्स कॉस एक्स माइनस टू साइन एक्स बाई क्या होगा एक्स का क्यूब होगा। ये आपको क्या करना है याद रखना है। तो इस तरह का प्रॉब्लम यदि एग्जाम में पूछे तो आपको क्या करना है इसी तरह करके सॉल्विंग करना है। तो आपका इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन क्या हो गया ये हो गया। ठीक है चलो ये आपका हो गया। अब आगे का प्रॉब्लम को देखेंगे कि आगे का प्रॉब्लम को कैसे सॉल्विंग करेंगे। ठीक चलो नोट करो पहले चलो अब देखते हैं ये आपका क्या है x इंटू कॉस एक्स माइनस टू साइन एक्स बाई क्या है एक्स क्यूब है। या तो यहां पर लिख लो x कॉस एक्स माइनस टू साइन एक्स बाई क्या है एक्स क्यूब है। यही इस प्रॉब्लम का क्या होगा आपका आंसर होगा एक्स क्यूब। यही इस प्रॉब्लम का क्या होगा आंसर होगा। आपको क्या करना है लिखना है। चलो आगे का प्रॉब्लम देखते हैं फोर्थ नंबर प्रॉब्लम।
अब देखो प्रॉब्लम नंबर फोर, फोर को बढ़िया समझना है। y इक्वल टू क्या दिया गया है, एल एन ब्राइकेट टेन रूट वन प्लस एक्स स्क्वायर, ऐसे दिया गया, ठीक है। चलो अब देखो इस प्रॉब्लम में आपका चेन रूल लगेगा, जो पिछले क्लास में बताए थे चेन रूल। अब आपको चेन रूल बढ़िया से समझना है, ठीक। अब क्या करना है, देखो लिखना है dy by dx, इस फंक्शन को डेरिवेटिव करना है d, और क्या करना है ln ब्राइकेट टेन के अंदर में वन प्लस एक्स स्क्वायर, और क्या है आपका ये ब्राइकेट, ठीक है। अब देखो फंक्शन के अंदर में क्या फंक्शन है, तो इस फंक्शन को इस फंक्शन के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव करना है, किसके रिस्पेक्ट में, टेन रूट ओवर वन प्लस एक्स स्क्वायर के रिस्पेक्ट में क्या करना है, डेरिवेटिव करना है, ठीक है। ध्यान दो, समझ में आएगा, ठीक है। चलो ठीक है, इस फंक्शन को इसके रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव करना, तो जिस फंक्शन के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव करना उसको नीचे रखा है, इनटू करेंगे, फिर इस फंक्शन को देखो, इस फंक्शन को, तो ये आपका फंक्शन के अंदर क्या फंक्शन है, तो इस फंक्शन को इसके रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव करना है, तो लिखेंगे वन प्लस एक्स स्क्वायर का रूट, ठीक है। फिर इस फंक्शन को देखो, ये रूट 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 एक फंक्शन है, इस फंक्शन को इसके रिस्पेक्ट में करना है, ध्यान दो वन प्लस क्या एक्स स्क्वायर, फिर इस फंक्शन को किसके रिस्पेक्ट में करना है, आपको एक्स के रिस्पेक्ट में करना है, इतना सारा चीज जाएगा, मतलब इसको इसके रिस्पेक्ट में करना है, फिर इसको इसके रिस्पेक्ट में करना है, फिर इसको एक्स के रिस्पेक्ट में, इसको इसके अंदर वाले के रिस्पेक्ट में करना है, फिर इसको एक्स के रिस्पेक्ट में करना है, इस तरह करके आपका क्या होगा, लेयर बाय लेयर डिफरेंशिएशन होगा, ठीक है। थोड़ा ध्यान देना, अब आपको फॉर्मूला लगाना है, आपको पिछले क्लास में बताए थे कि एल एन एक्स डी बाई डी एक्स रहे, और इसका डेरिवेटिव क्या होगा, तो आपको याद रखना है वन बाई क्या होगा एक्स होगा, एल एन का मतलब होगा लॉग, इसका मतलब इस फंक्शन का डेरिवेटिव क्या होगा, ये होगा, ठीक है। चलो और एक आपको और याद रखना है, डी बाई डी एक्स, और यदि पूछे कि रूट एक्स का डेरिवेटिव क्या होगा, तो आप लिख सकते हो डी बाई डी एक्स, और रूट एक्स को एक्स के पावर वन बाई टू लिख सकते हो। अब यहाँ पर यदि फॉर्मूला लगाओगे तो वन बाई टू हो जाएगा बाहर, और एक्स के पावर वन बाई टू माइनस क्या होगा वन, तो वन बाई टू एक्स के पावर माइनस वन बाई टू होगा, इसको यदि सॉल्व करोगे तो वन बाई टू, इसको नीचे लाओगे तो एक्स के पावर वन बाई क्या होगा टू, और इसका होगा वन बाई टू रूट एक्स होगा, इसका मतलब रूट एक्स का जो डेरिवेटिव होगा वो आपका वन बाई टू इंटू रूट एक्स होगा, ठीक है। ये दो फॉर्मूला को आपको क्या करना है, याद रखना। चलो अब देखते हैं इस प्रॉब्लम को, डी वाई बाई क्या होगा डी एक्स होगा। अब देखो लॉग को इसके रिस्पेक्ट में करेंगे तो लॉग एक्स का डेरिवेटिव क्या होगा, वन बाई एक्स होगा, वन बाई एक्स होगा, एक्स के जगह पर क्या है, ये है आपका टेन रूट वन प्लस एक्स स्क्वायर है, लॉग एक्स का वन बाई एक्स हो गया। अब देखो टेन एक्स को इसके रिस्पेक्ट में करेंगे तो टेन एक्स का जो डेरिवेटिव होता है वो आपको बता चुके हैं सेक स्क्वायर एक्स होगा, एक्स के जगह पर ये पूरा फंक्शन है रूट ओवर वन प्लस एक्स स्क्वायर होगा, ठीक है। रूट एक्स को इसके रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव करेंगे तो वन बाई टू रूट एक्स आएगा, तो वन बाई टू, और रूट एक्स एक्स के जगह पूरा है ये, तो रूट वन प्लस क्या होगा एक्स स्क्वायर होगा, ठीक है। अब इस फंक्शन को एक्स के रिस्पेक्ट में करेंगे तो वन को एक्स के रिस्पेक्ट में करेंगे वन कॉन्स्टेंट है जीरो हो जाएगा, और एक्स स्क्वायर को एक्स के रिस्पेक्ट में करेंगे तो क्या होगा टू एक्स होगा, ठीक है। अब आपको क्या करना है, लिखना है। अब देखो ये टू और ये टू आपका क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, तो आपका सॉल्यूशन क्या होगा, ऊपर में आपका एक्स सेक स्क्वायर रूट ओवर वन प्लस एक्स स्क्वायर होगा, और आपको लिखना है वन प्लस एक्स स्क्वायर का रूट
और आपका क्या हो जाएगा टेन रूट वन प्लस क्या होगा एक्स स्क्वायर होगा, मतलब इस प्रॉब्लम का आंसर क्या हो जाएगा ये हो जाएगा। आपको क्या करना है इस तरह करके इसको लिखना है ठीक है, और इस फंक्शन को इससे मत काट देना, ये थीटा की जगह पर है ठीक है, तो ये कटेगा नहीं। इसका मतलब है ये आपका क्या हो जाएगा इस प्रॉब्लम का क्या हो जाएगा सॉल्यूशन हो जाएगा। तो ये यदि पूछे तो इसका आपका सॉल्यूशन ये होगा ठीक है, ये आपका क्या हो गया डी वाई बाई डी एक्स हो गया। इसको आपको क्या करना है याद रखना है ठीक, ये आपका चैन रूल का प्रॉब्लम है। अब आगे का प्रॉब्लम लेते हैं, ये सब प्रॉब्लम आपका एग्जाम में पूछा गया है, आपको क्या करना है इस सब प्रॉब्लम को बेहतरीन ढंग से प्रैक्टिस करना, इसी तरह का प्रॉब्लम आपका एग्जाम में फिर से पूछेगा। चलो एक फंक्शन आपका नेक्स्ट प्रॉब्लम, प्रॉब्लम नंबर फाइव दिया गया है आपका y इज इक्वल टू e के पावर टेन इनवर्स x का पावर क्या है थ्री है ठीक है। पूछ रहा देन फाइंड डी वाई बाई डी एक्स। अब देखो इस प्रॉब्लम को कैसे सॉल्विंग करेंगे ठीक है, अब देखो यहां लिखेंगे डिफरेंशिएशन बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू एक्स वी गेट। चलो इसमें भी चैन रूल लगेगा, डी वाई बाई क्या करना है डी एक्स करना है, इक्वल टू लिखना है, इस फंक्शन को डेरिवेटिव करना है ई के पावर टेन इनवर्स एक्स का पावर क्या है थ्री है। अब देखो ई के पावर एक्स और एक्स पूरा ये है टेन इनवर्स एक्स का होल क्यू है, तो इस फंक्शन को पहले हम लोग डेरिवेटिव करेंगे टेन इनवर्स एक्स के पावर थ्री के रिस्पेक्ट में ठीक है। अब फिर ये जो फंक्शन होगा डी टेन इनवर्स एक्स के पावर थ्री को हम डेरिवेटिव करेंगे किसके रिस्पेक्ट में टेन इनवर्स एक्स के रिस्पेक्ट में ठीक है। फिर हम टेन इनवर्स एक्स को डेरिवेटिव करेंगे किसके रिस्पेक्ट में एक्स के रिस्पेक्ट में ठीक है, ये आपको ध्यान देना है नहीं तो हो जाएगा गलत। अब देखो इस फंक्शन को पूरे इस फंक्शन के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव करेंगे फर्स्ट टाइम, तो क्या हो जाएगा बताओ, तो e के पावर x का डेरिवेटिव क्या होता है आपको बता चुके हैं, e के पावर x का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x इज इक्वल टू क्या होगा e के पावर x होगा। अब देखो e के पावर x के जगह पर क्या tan इनवर्स x का होल क्यू है, इसको डेरिवेटिव करना विद रिस्पेक्ट टू tan इनवर्स x के पावर 3 से, तो क्या हो जाएगा e के पावर x ही होगा और x आपका क्या है tan इनवर्स x के पावर कितना है 3 है, ये समझ में आना चाहिए ठीक है, मल्टीप्लाई है तो मल्टीप्लाई देंगे। अब देखो tan इनवर्स x के पावर 3 है, इसको डेरिवेटिव करना है tan इनवर्स x के रिस्पेक्ट में, तो ये पूरे फंक्शन को यदि हम लोग मान लेते हैं x, तो x के पावर क्या 3 है, तो इसका फॉर्मूला क्या होगा 3 इंटू x के पावर क्या होगा 3 माइनस 2 मतलब x स्क्वायर होगा, और x के जगह पर क्या है tan इनवर्स है, तो tan इनवर्स x और क्या हो जाएगा 3 माइनस 1 क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा, मतलब tan इनवर्स x का क्या हो जाएगा होल स्क्वायर हो जाएगा ठीक है। मल्टीप्लाई tan इनवर्स x को x के रिस्पेक्ट में करेंगे तो फॉर्मूला बता चुके हैं 1 बाई क्या होगा 1 बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर होगा। फिर हम लोग इस x को किसके रिस्पेक्ट में करेंगे dx के रिस्पेक्ट में करेंगे तो क्या होगा 1 होगा। चलो अब देखो इसका आपका सॉल्यूशन इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 3 tan इनवर्स
एक्स का पावर क्या हो जाएगा, टू ई के पावर टेन इनवर्स एक्स का पावर थ्री बाई क्या हो जाएगा वन प्लस एक्स स्क्वायर हो जाएगा। यहां पर भी आपका क्या हो रहा है, चेन रूल लग रहा है। इसका मतलब है इस फंक्शन को इसके रिस्पेक्ट में करना है, फिर इस फंक्शन को, ये फंक्शन का स्क्वायर है तो इस फंक्शन के स्क्वायर को इसके रिस्पेक्ट में करना, फिर टेन इनवर्स को एक्स के रिस्पेक्ट में करना, फिर एक्स को डीएक्स के रिस्पेक्ट में करना है। इतना सारा प्रोसेस को सॉल्व करके आपको क्या करना है, इसका डेरिवेटिव करना है। इसका मतलब है इस प्रॉब्लम का आंसर क्या हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा। ये आपका इस प्रॉब्लम का क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलो आगे का प्रॉब्लम को देखते हैं। इसको क्या करना है, बेहतरीन ढंग से आपको नोट्स बनाना है। आपको समझ में आ रहा होगा, आपको स्टेप बाय स्टेप क्या करना है, फॉलो करना है। ध्यान से समझने की कोशिश करो। मान लेते हैं कि आपका कोई फंक्शन दिया गया, ठीक है, प्रॉब्लम नंबर सिक्स। मान लेते हैं एक्स साइन एक्स प्लस e के पावर फाइव एक्स साइन इनवर्स एक्स वाई इक्वल टू ये दिया गया। ठीक, अब बोल रहा कि फाइंड डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू व्हाट। अब देखो इस फंक्शन को आप कैसे डेरिवेटिव करोगे, ध्यान दो। तो यहाँ पर दो फंक्शन मल्टीप्लाई है, यहाँ पर भी आपका दो फंक्शन मल्टीप्लाई है, दोनों के बीच में प्लस, डेरिवेटिव करना है। ठीक है, तो इसको कैसे करेंगे, तो ध्यान दो, डिफरेंशिएशन डिफरेंशिएशन बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू एक्स वी गेट। क्या करेंगे, इसको डेरिवेटिव करें डी वाई बाई डी एक्स। अब देखो ये आपका यू इंटू वी के फॉर्म में है, तो हम क्या करेंगे, यू को डेरिवेटिव करेंगे। चलो यू को डेरिवेटिव कर लिया, किसके रिस्पेक्ट में, एक्स के रिस्पेक्ट में, वी को हमने क्या किया, छोड़ दिया, साइन एक्स को छोड़ दिया। ठीक है, ध्यान दो, फिर अब क्या करेंगे, यू को छोड़ेंगे और वी को डेरिवेटिव करेंगे, साइन एक्स बाई क्या होगा डी एक्स होगा, ध्यान दो। ठीक है, दोनों के बीच में प्लस है, प्लस लिखेंगे, यू इंटू वी के फॉर्म में है, तो हमने क्या करना है, इसको डेरिवेटिव करना है किसके रिस्पेक्ट में, ई के पावर क्या है फाइव एक्स है, तो फाइव एक्स के रिस्पेक्ट में करना है, फिर फाइव एक्स को किसके रिस्पेक्ट में करना है, एक्स के रिस्पेक्ट में करना है। ठीक है, अब इसको क्या करना, छोड़ना है, साइन इनवर्स एक्स को क्या करना है, छोड़ देना है, कर छोड़ दिया। अब हम क्या करेंगे, इस फंक्शन को छोड़ देंगे, जिसको पहले हमने डेरिवेटिव किया उस फंक्शन को छोड़ देंगे, इस फंक्शन को डेरिवेटिव करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, तो क्या हो जाएगा, साइन इनवर्स एक्स हो जाएगा, ध्यान देना है। ठीक है, इसका मतलब है इस फंक्शन को डेरिवेटिव करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, तो आंसर क्या होगा, वन, आपको बता चुके, साइन एक्स जीरो का तीन उतर जाएगा, प्लस एक्स को हमने छोड़ा था, इसका डेरिवेटिव क्या होगा, आपको फॉर्मूला बता चुके हैं, कॉस एक्स होगा, चलो ठीक है, प्लस,
और आपको बता चुके हैं कि e के पावर x का डेरिवेटिव क्या होगा, तो e के पावर x होगा x की जगह 5x, तो 5x लिखेंगे मल्टीप्लाई, 5 आपका कांस्टेंट बाहर हो जाएगा, dx को dx के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव करेंगे तो क्या होगा 1 होगा, और साइन इनवर्स x को तो ज्यों का त्यों छोड़ देना, तो साइन इनवर्स x हो गया प्लस e के पावर क्या आपका 5x है, और साइन इनवर्स x को x के रिस्पेक्ट में करेंगे तो 1 बाय रूट ओवर 1 माइनस क्या होगा x स्क्वायर होगा। इसका मतलब इस प्रॉब्लम का आंसर क्या हो जाएगा, साइन x प्लस x cos x प्लस 5 e के पावर 5x साइन इनवर्स x प्लस e के पावर 5x बाय रूट 1 माइनस x स्क्वायर। ये आपको क्या करना है, ध्यान देना है। इस तरह करके ही हम लोग क्या करेंगे, प्रॉब्लम को स्टेप बाय स्टेप सॉल्विंग करेंगे। तो ये आपको क्या करना है, नोट करना है। ठीक है, तो इस प्रॉब्लम का आंसर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा। चलो अनदर प्रॉब्लम देखते हैं, प्रॉब्लम नंबर 7। मान लो कोई फंक्शन इस तरह दिया गया है, y इक्वल टू log x इन log x प्लस साइन इनवर्स x प्लस e के पावर x प्लस टेन एक्स प्लस e के पावर साइन x। चलो इसको डेरिवेटिव करने के लिए बोल रहा है, ठीक है। चलो y इक्वल टू ये फंक्शन दिया गया, इसको आपको क्या करना है, डेरिवेटिव करना है विथ रिस्पेक्ट टू x। चलो अब इस फंक्शन को डेरिवेटिव कैसे करेंगे, फाइंड dy बाई dx इज इक्वल टू व्हाट, y इक्वल टू log x प्लस साइन इनवर्स x प्लस e के पावर x प्लस टेन एक्स प्लस e के पावर साइन x है, देन फाइंड dy बाई dx। आपको क्या करना है, अब देखो इस प्रॉब्लम को कैसे सॉल्विंग करेंगे, ध्यान दो। इस फंक्शन को डेरिवेटिव करना विथ रिस्पेक्ट टू x, अब देखो इस फंक्शन को डेरिवेटिव करना है तो आपको क्या लिखना है, डिफरेंशिएशन बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू एक्स वी गेट, ठीक है। वाई आपका क्या दिया गया है, डी वाई बाई डी एक्स आपका क्या है, डी लॉग एक्स को डेरिवेटिव करना विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, ठीक है। प्लस है तो प्लस लगाना है, डी साइन इनवर्स एक्स को डेरिवेटिव करना विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, प्लस प्लस लगाना है, ई के पावर एक्स को डेरिवेटिव करना विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, प्लस लगाना है। फिर आपका क्या है, डी बाई डी एक्स क्या हो जाएगा, टेन एक्स हो जाएगा। प्लस क्या है आपका, डी बाई डी एक्स ई के पावर क्या है, साइन एक्स है। यहां पर आपको समझना है, ठीक है। अब देखो यहां पर क्या करना है, ई के पावर क्या है, एक्स तो नहीं है, क्या है, साइन एक्स है। तो यहां पर आपका क्या लगेगा, फंक्शन ऑफ फंक्शन लगेगा, मतलब चेन रूल लगेगा। मतलब पहले क्या करना है आपको, इस फंक्शन को एक्स के रिस्पेक्ट में ना करके साइन एक्स के रिस्पेक्ट में करेंगे, फिर उसके बाद क्या करेंगे, साइन एक्स को एक्स के रिस्पेक्ट में करेंगे, ठीक है। चलो अब ध्यान दो, यही आपको बताना था, डी वाई बाई क्या हो जाएगा, डी एक्स हो जाएगा। इसका फॉर्मूला बता चुके हैं, लॉग एक्स का डेरिवेटिव वन बाई एक्स होता है, याद रखोगे। इसका फॉर्मूला बता चुके हैं, साइन इनवर्स एक्स का जो फॉर्मूला था वन बाई रूट ओवर वन माइनस एक्स स्क्वायर होता, बार बार बोल रहे हैं, याद रखना।
ई के पावर एक्स का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स क्या होगा, ई के पावर एक्स ही होगा, याद रखोगे। टेन एक्स डी एक्स का जो डेरिवेटिव होता है बोले हैं सेक स्क्वायर एक्स, याद रखना है। ई के पावर साइन एक्स को साइन एक्स के रिस्पेक्ट में करेंगे तो ई के पावर क्या होगा, साइन एक्स होगा, और साइन एक्स को एक्स के रिस्पेक्ट में करेंगे तो बता चुके हैं कॉस एक्स होगा। इसका मतलब है इस प्रॉब्लम का जो आंसर होगा वो आपका 1 बाई एक्स प्लस 1 बाई रूट ओवर 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस ई के पावर एक्स प्लस सेक स्क्वायर एक्स प्लस कॉस एक्स ई के पावर क्या होगा, साइन एक्स होगा। यही इस फंक्शन का आपका क्या हो जाएगा, डेरिवेटिव हो जाएगा, आपको नोट कर लेना है। यही आपका क्या होगा, इस प्रॉब्लम का क्या हो जाएगा, आपका आंसर हो जाएगा। यदि इस तरह का प्रॉब्लम आपको दे, आपको क्या करना है, इसी तरह करके सॉल्व करना है। ये आपका क्या है, ये प्रॉब्लम है, ठीक है। तो आप इस तरह करके आप क्या कर सकते हो, डिफरेंशिएशन का प्रॉब्लम को क्या कर सकते हो, स्टेप बाय स्टेप सॉल्विंग कर सकते हो। ये डिफरेंशिएशन का कुछ बेसिक प्रॉब्लम था, प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर से लिया गया प्रॉब्लम था। इस तरह का प्रॉब्लम आपका एग्जाम में आने की संभावना बहुत ही ज़्यादा है। तो ये डिफरेंशिएशन का आपका पार्ट नंबर 2 था, और नेक्स्ट क्लास में इससे और एडवांस लेवल का प्रॉब्लम लेके आएंगे, वो आपका क्या होगा, पार्ट 3 होगा। तो आपका जो बेसिक कॉन्सेप्ट आपको बता चुके हैं कि बेसिक कॉन्सेप्ट का फॉर्मूला और उसका प्रॉपर्टी, और उसका प्रॉपर्टी का यूज करके आप प्रॉब्लम में कैसे सॉल्विंग करोगे। तो ये सब आपका प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर का सॉल्यूशन था। आप इस तरह का प्रॉब्लम को बार बार रिवीजन करो, अपने नोट कॉपी में नोट डाउन करो, और बार बार इसका क्या करो, प्रैक्टिस करो, और प्रॉब्लम को बनाने का कोशिश करो और समझने का कोशिश करो। आपका प्रॉब्लम एग्जाम हॉल में 100% श्योर है कि बनेगा। आप अपने बेसिक पर काम करो स्टेप बाय स्टेप। थैंक यू स्टूडेंट, वीडियो के एंड करते हैं। यदि आप चैनल में नए आए तो चैनल को क्या कर लीजिए स्टूडेंट, सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे आपको न्यू वीडियो मिल सके और ज़्यादा से ज़्यादा आप कॉन्सेप्ट को बिल्डअप कर सके और ज़्यादा से ज़्यादा नंबर ऑब्टेन कर सके। थैंक यू स्टूडेंट, वंदे मातरम।